हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज स्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में स्कूल्स कल से ओपन होंगी या नहीं होंगी। ऑफिशियल लेटर अभी आना बकाया है, आज ही आ जाएगा। बाय द वे, अगर देखा जाए तो 31 जनवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए, ये मिड जनवरी 2022 से ऐसा हुआ था कि स्कूल्स बंद कर दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 17 फरवरी से मेनली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10 ट्वेल्थ के एमपी में होने हैं, तो इसके लिए क्या है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और जितने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारे उनके पास क्यूरीज हैं, काफ़ी सारे उनके पास कंसर्न हैं कि एक तो क्लासेस बंद रही, स्कूल्स बंद रही, ऑनलाइन व्यवस्था उतनी कारगर रही नहीं। अगर प्री बोर्ड एग्ज़ाम अगर ओपन बुक के माध्यम से हो सकता है तो आखिर इसे आप फिजिकल मोड में क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और बात चल रही है कि कोविड के केसेस मध्य प्रदेश में घट रहे हैं या फिर देश में घट रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब स्कूल्स ओपन होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर आप इस डेटा पे जाएं, ये अपडेटेड है, रियल टाइम पे है, जितने केसेस आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, जितने पब्लिश होते हैं उसके आधार पे बता रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड जो होता है, जो लोगों में फैल चुका होता है, सभी की टेस्टिंग नहीं हो पाती और जिनमें एसिम्प्टोमेटिक लक्षण रहता है तो शायद उनका भी डेटा हमारे सामने नहीं आ पाता। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का है, पिछले 30 दिनों का है। अब देखिएगा, ये है, आप देख पा रहे हैं 30 जनवरी 2022 का है, नए केसेस 9305 आए हैं। ये 30 जनवरी का है, मतलब कल तक का है, आज का भी डेटा आपके सामने आएगा। वहीं पे 31 दिसंबर से देखें तो जब 77 केस थे, 124 केस थे, ऐसे केसेस बढ़ रहे थे। और कब, जब मान लीजिए कि 14 तारीख को ऐसा आदेश आया था कि ये बंद हो गया, तो देखिएगा 14 तारीख को 8786 केसेस टोटल आए थे, तब स्कूल्स बंद होने का निर्णय लिया गया। लेकिन उसके बाद भी देखिए कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे थे, घट रहे थे, बढ़ रहे थे, घट रहे थे, और जो ऑनलाइन एवरेज है वो काफ़ी बढ़ा है। एंड आज भी अगर देखा जाए तो जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, स्कूल बंद होने की घोषणा हुई थी, उस दिन भी कहीं ना कहीं केसेस जो कल केस आया है उससे काफ़ी कम था। तो मतलब साफ है कि केसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि ऐसा अगर निर्णय लिया गया था तो ओमिक्रॉन को ध्यान में रखकर लिया गया था। अभी भी पूरी तरह से प्रिवेंशन ओमिक्रॉन का या फिर जो अदर वेरिएंट्स हैं आपको कोविड-19, उसको अभी पूरी तरह से कर्व नहीं किया जा सका है। इसलिए सरकार को एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोविड-19 के केसेस अभी जितना अगर डाउनफॉल हम मान रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन उस रफ्तार में नहीं हो रहा जिस रफ्तार पे आपने बंद कर दिया था, जब आपने स्कूल्स क्लोज होने के निर्णय आपने लिया था उस टाइम केसेस कहीं ना कहीं आज से भी कम थे। तो स्कूल ओपन कराने से पहले सरकार को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वो ओपन बुक एग्ज़ाम्स की मांग करें तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। स्कूल ओपन करने से पहले, स्कूल ओपन करने से पहले वर्तमान जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 केसेस की, उन पे ज़रूर ध्यान दें। एंड साथ ही साथ सेल्फ एनालाइज करें कि क्या सच में ऑनलाइन क्लासेस या कारगर साबित हुई हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अब जितने स्टूडेंट्स हैं फिजिकल मोड में बैठने वाले हैं। दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हैं फरवरी में ही, लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या कुछ और स्टेट्स, इसीलिए अब कहीं ना कहीं सेंट्रल स्तर पे कोविड-19 केसेस को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये ऐसा ओनली कयास लगाया जा रहा है, आई डू नॉट इंडोर्स इट। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग ओपनिंग और रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन मध्य प्रदेश, मैं तुरंत वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, धन्यवाद।